नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए लेकर के हैं आपका फेवरेट कार मारुति सुजुकी रेट, जिसका आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये गाड़ी को लेकर के आओ काफ़ी अच्छे कंडीशन की और काफ़ी अच्छे प्राइस में। तो काफ़ी अच्छा प्राइस तो होने वाला है, साथ ही साथ आप गाड़ी का कंडीशन आप सामने में देख सकते हो। कंडीशन को लेकर के तो दोस्तों मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। साथ ही साथ गाड़ी है पेट्रोल, और पेट्रोल है तो CNG भी बेशक लग सकती है। तो CNG के बारे में भी अभी मैं आपको डिटेल्स देने वाला वीडियो में कि CNG आप कैसे लगवा सकते हैं और आपका कितना खर्चा आएगा आप गाड़ी के अंदर CNG भी लगवाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए गाड़ी के कुछ डिटेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस गाड़ी के ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर के, क्योंकि बहुत भाई लोग को ऐसा लगता है कि कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में नहीं दिया हूँ या फिर पता नहीं कहाँ दिया हूँ। तो दोस्तों देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में या तो बीच में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में कहीं भी मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हेडलाइट्स की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको नॉर्मल हैलोजन वाला हेडलाइट देखने को मिल जाता है। आप इसमें चाहें तो प्रोजेक्टर बेशक डलवा सकते हैं दोस्तों। 600-700 में आपका लोकल प्रोजेक्टर आ जाता है गाड़ी के अंदर, और ओरिजिनल डलवाना चाहें तो 1700-1800-3000 के आसपास आपका लग जाने वाला है। वहीं साइड इंडिकेटर की बात करें तो साइड इंडिकेटर और आपका पार्किंग लाइट दोनों का दोनों आपको हेडलाइट्स में ही देखने को मिल जाता है। साथ में नीचे में आपको दो फॉग लैंप भी देखने को मिल जाती हैं, और आपको बीच में मारुति की बैजिंग, और फ्रंट में आपको दो वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें विंडशील्ड के ऊपर। साइड लुक की बात कर ली जाए तो साइड लुक भी काफ़ी शानदार आपको इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है। टायर कंडीशन सबसे पहले बताऊं तो टायर कंडीशन गाड़ी का 70-80% के आसपास देखने को मिल जाती है टायर लाइफ, जो कि काफ़ी बेस्ट है इस गाड़ी के लिए, बिल्कुल इनफ है। और व्हील कवर्स की बात कर ली जाए तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर आपको व्हील कैप्स देखने को मिल जाते हैं। एलॉयस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं, व्हील कवर्स लगी हैं जो कि प्लास्टिक के और काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के हैं। वहीं ORVM की बात कर ली जाए तो ORVM आपको दोस्तों इसमें ना ही आपको ऑटो फोल्डेबल देखने को मिलेगा और ना ही आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल देखने को मिलने वाला है। नॉर्मल जो बेसिक्स है ORVM आता है वही आपको देखने को मिल जाएगा, और फेंडर के ऊपर आपको एक सिंपल सा साइड इंडिकेटर जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चारों साइड से आपको हम गाड़ी का लुक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर आपको सन वाइजर भी लगा हुआ है, जो कि एक छोटा सा एसेसरीज है, उसको कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं माना जाता है। और बात कर ली जाए पीछे से तो पीछे से भी लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी छोटी गाड़ी है जिस कारण से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और पीछे में टेन लाइट्स की बात करें तो टेन लाइट्स आपको नॉर्मल बल्ब वाला देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी LED टेन लाइट देखने को नहीं मिलने वाला है। पीछे में आपको रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ देखने को दोस्तों मिल जाता है, और बूट भी आप इसका पीछे से ओपन कर सकते हैं। बूट एक तो आप पीछे से ओपन कर सकते हैं, दूसरा आपका ड्राइविंग साइड जो सीट है उसके नीचे आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों नॉर्मल बैजिंग मिल जाएगी मारुति की, और स्टॉप लाइट आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर भी लगी हुई है, और इंजन इस गाड़ी का आपको आगे में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी का बताऊँ तो गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है, बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है, और लुक का तो पूछो ही मत भाई, लुक तो ज़बरदस्त है ही, इसी कारण से तो लोग इस गाड़ी को अभी भी पसंद करते हैं। और इंटीरियर कुछ इस टाइप से आप गाड़ी का देखने को मिल जाता है। सीट क्वालिटी का बताऊँ तो सीट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाला है सीट के मामले में, नो डाउट यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसका सीट देखने को मिल जाता है। रियर सीट की बात करें तो रियर सीट भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली अगर आप इस गाड़ी को बाई करते हैं तो। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर लेगरूम हेडरूम का बताऊँ तो लेगरूम हेडरूम काफ़ी ज़्यादा आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। बाहर से बेशक गाड़ी ये भी छोटी लगती है, लेकिन अंदर से आपको बिल्कुल छोटा गाड़ी फील ऐसा नहीं होने वाला है। हैचबैक में गाड़ी आती है, ना ही सेडान में, ना ही SUV में आती है। कुछ इस टाइप से इस गाड़ी का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम डैशबोर्ड मिलता है। ड्यूल टोन कलर के साथ आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, और डैशबोर्ड के ऊपर आपको वुडन की फिनिशिंग जो होती है वो भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको 4 AC मिरर्स देखने को मिल जाएंगी विथ हीटर के साथ दोस्तों, आपको इसका AC देखने को मिल जाएगा। वहीं बात कर ली जाए पीछे की तो पीछे में आपको एक भी AC मिरर्स देखने को नहीं मिलने वाला। म्यूजिक सिस्टम की बात कर ली जाए तो कंपनी फिटेड आपको इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। और AC कंट्रोल्स के बारे में बताऊं तो AC कंट्रोल्स आपको मैन्युअली देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक AC देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं गियर के बारे में बताऊं तो गियर आपको इसका मैन्युअली देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी नहीं है। स्टेरिंग की बात कर ली जाए तो नॉर्मल बेसिक जो स्टेरिंग आती है वही आपको मिलती है, अभी के स्टेरिंग के जैसा नहीं कि आपको मीडिया कंट्रोल्स हो गए या फिर क्रूज कंट्रोल ऐसा मिल जाए। तो बेसिक स्टेयरिंग है जो कि ठीक है, इनफ है इस गाड़ी के लिए। और पावर स्टेयरिंग की बात कर ली जाए तो जी हाँ, पावर स्टेयरिंग आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी के अंदर आपको नॉर्मल जो बेसिक आता है वही आपको देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको एक छोटा सा RPM मीटर देखने को मिल जाता है, और कुछ इस टाइप से आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें 200 का टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद नीचे में आपको छोटा सा MID मिल जाएगा, जिसमें आपका किलोमीटर और एवरेज होता है वो आपको बताने वाला है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको एक नज़र में गाड़ी पसंद दाजी। फ्रंट के जो दोनों विंडोज है वो आपको पावर बटन वाला देखने को मिल जाता है, और पीछे के जो विंडोज है वो भी आपको पावर बटन में मिल जाते हैं, और क्रोम की भी कहीं कहीं फिनिशिंग आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो बात करें तो दोस्तों और डिटेल्स की तो मारुति सुजुकी रिथ 2010 मॉडल आप देख रहे हैं, VXI वेरियंट है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के एवरेज के बारे में तो दोस्तों ये जो गाड़ी है पेट्रोल पर एवरेज आपको 23.2 किलोमीटर पर लीटर हाईवे पर निकाल कर देती है, जो कि कंपनी खुद क्लेम करती है। और CT एवरेज की बात करें तो CT में आपको 18.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल कर
देने वाली है। वहीं बात कर ली जाए सीएनजी की, तो दोस्तों अगर आप इसमें सीएनजी लगवाना चाहें तो बेशक लगवा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट और सीएनजी दो तरीके से लगता है, एक तो आपका हो गया सेकेंड हैंड सीएनजी, दूसरा हो गया आपका ब्रांड न्यू सीएनजी। तो खैर डिपेंड तो आपके ऊपर करता है कि आप सीएनजी ब्रांड न्यू लगवा रहे हो या फिर सेकेंड हैंड। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड सीएनजी लगवाते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर, तो आपका खर्चा आने वाला वही 15 से 20 हज़ार, और अगर आप ब्रांड न्यू सीएनजी लगवाते हैं तो ब्रांड न्यू लगवाने में आपका 30 से 40 हज़ार के आसपास आपका खर्चा आ जाने वाला है। बात कर ली जाए सीएनजी के एवरेज के बारे में, तो दोस्तों सीएनजी पे आपको सिटी में आराम से निकाल के दे देगी 25-26 की, और वहीं हाईवे की बात कर लें तो हाईवे पे आपको 30-32 आराम से निकाल के दे देती है। तो एवरेज ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मारुति सुजुकी रिट जो है 10 मॉडल, बात करें दोस्तों इंजन कैपेसिटी की, तो 1248 सीसी का आपको इंजन देखने को मिल जाता है, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा मिल जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो टोटल 4 सिलेंडर इंजन है, तो सीएनजी लगवाने के बाद भी आपको गाड़ी दब के चल रही है या फिर एसी में अच्छी नहीं चल रही है, सब आपको परेशानी नहीं होने वाली इस गाड़ी को लेने के बाद। साथ ही मैक्सिमम पावर के बारे में बताऊं तो मैक्सिमम पावर उसमें आपको 73.94 bhp का देखने को मिल जाएगा 4000 rpm पे, और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बताएं तो मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 190 Nm का देखने को मिल जाएगा 2000 rpm पे। सीट कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग बहुत आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइप की बात करें तो मैनुअल गियर वाली गाड़ी है। फ्यूल टैंक की बारी आती है, फ्यूल टैंक कितना आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको फ्यूल टैंक 43 लीटर का देखने को मिल जाएगा, जो कि इनफ है इस गाड़ी के लिए। और बॉडी टाइप के बारे में बताएं तो बॉडी टाइप हैचबैक में आती है। वहीं बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर आपको 170 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो पावर स्टीयरिंग आपको इसमें मिल जाएगा, पावर विंडोज फ्रंट में मिल जाएगा, बैक में मिल जाएगा, और एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी के अंदर है। एयर कंडीशनर गाड़ी है, ड्राइवर के पास एयरबैग्स मिल जाएगा, पैसेंजर एयरबैग्स मिल जाएगा, और फ्रंट में आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएगा, एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, व्हील कवर्स जो कि मैंने बताया था, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। उससे पहले हम किलोमीटर जान लेते हैं कितना किलोमीटर जो गाड़ी है चल चुकी है। तो दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 76,000 किलोमीटर, जो कि ठीक है, ना ही ज़्यादा चली है ना ही कम चली है, मीडियम गाड़ी अभी चली हुई है। गियर बॉक्स के बारे में बताएं तो गियर आपको उसमें मैनुअली मिल जाती है। और ऑनरशिप के बारे में जान लें, फर्स्ट ऑनर है या सेकंड ऑनर है, तो दोस्तों गाड़ी है फर्स्ट ऑनर, जब आप इस गाड़ी को लेंगे तो आप इस बन जाने वाले इस गाड़ी के सेकंड ऑनर, तो ऑनरशिप भी ठीक है। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है दोस्तों कृष्णा नगर दिल्ली की। बात कर लेते हैं प्राइसिंग का, क्या होने वाला है इस गाड़ी का प्राइस, तो दोस्तों गाड़ी का प्राइस है 1,75,000 रुपये, जो कि प्राइस नेगोशिएबल है, प्राइस बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। सो प्राइस को लेकर के आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैक्सिमम गाड़ी आपको 1,30,000 से 40,000 के अंदर में भी पड़ जाएगी, जब आप ऑनर से बात करिएगा तो उनसे आप नेगोशिएबल करा लीजिएगा। बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की, कहाँ मिलेगी ऑनर की कॉन्टैक्ट नंबर, तो दोस्तों ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले पे दे दिया हूँ, तो करना कुछ नहीं है, आपको जो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया उस नंबर पर आप कॉल करिए, ऑनर से बात करिए, जो भी आपको पूछना हो ऑनर से आप बात करके पूछ लीजिएगा, चाहे नंबर तो गाड़ी से रिलेटेड हो या फिर गाड़ी का पेपर से रिलेटेड हो, सब कुछ पूछ लीजिएगा। गाड़ी पसंद आए तो आप टेस्ट ड्राइव लेने के बाद गाड़ी बाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।